अमेरिका के न्यूजर्सी में पंजाब की रहने वाली दो बहनों पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें एक बहन की मौत हो गई और दूसरी जिंदगी से जंग लड़ रही है। पुलिस ने आरोपी हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। वीडियो में दिखा कि हमलावर को पकड़ने के लिए पुलिस उसके घर पहुंची, जिसके बाद वो भागने की कोशिश करता दिखा, लेकिन पुलिस ने आरोपी को घेर लिया और सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। न्यूजर्सी में जिन दो बहनों पर गोली चलाई गई, वो पंजाब के जालंधर की रहने वाली हैं, और दोनों बहनों पर फायरिंग करने वाला हमलावर भी जालंधर का ही है, जिसका नाम गौरव गिल बताया जा रहा है। आरोपी गौरव गिल ने दोनों बहनों पर गोली क्यों चलाई, इसकी वजह पता नहीं लग पाई है। गोलीबारी की इस घटना के बाद दोनों बहनों को एयरलिफ्ट कर अस्पताल ले जाया गया। हमले में 29 साल की जसवीर कौर की मौत हो गई, जबकि 20 साल की उसकी चचेरी बहन की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर हमले की वजह का पता लगाने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को T20 वर्ल्ड कप में शर्मनाक प्रदर्शन का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। वर्ल्ड कप से बाहर होने पर अपने लोगों का गुस्सा झेल रहे पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर अब PCB ने भी बड़ी कार्रवाई का मन बना लिया है। अमेरिका और आयरलैंड मैच बारिश की वजह से रद्द होने के बाद पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में पहली बार ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गया, जिसके बाद पाकिस्तान के लोगों का गुस्सा बाबर एंड कंपनी पर फूटा। शर्मनाक हार के बाद अपने लोगों और पूर्व खिलाड़ियों से आलोचना झेल रही पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों को एक और झटका लग सकता है। बताया जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में संशोधन कर सकता है। इतना ही नहीं, बाबर आजम एंड कंपनी की सैलरी भी कम की जा सकती है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक तेंदुए के देखे जाने से दहशत फैल गई। बताया गया कि अमोला घाटी में गर्मियों के दिनों में हर साल तेंदुआ शिकार की तलाश में वहां कुछ दिनों रुकने के लिए आता है, जिससे आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल बना रहता है। बीती रात भी करीब 8:30 बजे शिवपुरी के अमोला घाटी इलाके में एक तेंदुए को देखा गया। बताया गया कि वहां पास में ही मौजूद एक मंदिर से कुछ लोग लौट रहे थे, जिन्होंने एक पुलिया के ऊपर से अचानक एक तेंदुए को जाते देखा। इस दौरान तेंदुए की दहाड़ से वहां दहशत फैल गई। इलाके के लोगों ने बताया कि गर्मी के दिनों में हर साल वहां तेंदुआ आ जाता है और अमोला घाटी के पास खंडहर बने मकानों को अपना ठिकाना बना लेता है। वहीं पास में ही सिंध नदी भी मौजूद है, जिससे इलाके में थोड़ी ठंडक रहती है और जानवर प्यास बुझाने के लिए नदी पर आते रहते हैं। यही वजह है कि गर्मी से राहत और शिकार की तलाश में तेंदुए भी इस वीरान पड़े इलाके में देखे जाते हैं। आजकल लोग अपनी सेहत को लेकर बहुत ज्यादा जागरूक हैं। खासतौर पर नमक को लेकर लोगों की जागरूकता काफी ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन हाल ही में ICMR यानी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कुछ ऐसे दिशा निर्देश जारी किए हैं जो नमक और सेहत पर उसके प्रभावों के बारे में आम मिथकों को दूर करते हैं। दरअसल कुछ नमक जैसे गुलाबी हिमालयन नमक या काला नमक को सेहत के लिए अच्छा माना जाता है और इनकी बिक्री भी बढ़ी है। गुलाबी नमक और काला नमक को स्वास्थ्य प्रेमी ज्यादा पसंद करते हैं और टेबल नमक की तुलना में इन्हें लोग ज्यादा अच्छा मानते हैं, लेकिन ICMR के मुताबिक इन सभी नमक में सोडियम की मात्रा नियमित टेबल नमक के बराबर ही रहती है। लिहाजा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कहा है कि नमक की विविधता के बावजूद उनका सेवन सीमित होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा सोडियम खाने से शरीर पर बुरा असर पड़ सकता है। ज्यादा नमक खाने से हाई ब्लड प्रेशर, दिल से जुड़ी बीमारियां और दूसरी बीमारियों के बढ़ने का खतरा रहता है। ICMR के दिशा निर्देश में कहा गया है कि ज्यादा नमक खाने से गैस्ट्रिक कैंसर और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। वैसे नमक की ज्यादा खपत भारत के लिए कोई नई बात नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक सोडियम इंटेक के मामले में भारत को टॉप 50 देशों में रखा गया है। WHO हर दिन 5 ग्राम से ज्यादा नमक नहीं खाने की सलाह देता है, लेकिन भारत में औसत खपत अक्सर प्रतिदिन 10 ग्राम से अधिक होती है, जो WHO की बताई गई मात्रा से दोगुनी है। यूपी के गाजियाबाद में पैकेजिंग की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही समय में उसने पास की मौजूद दूसरी इमारत को भी अपने चपेट में ले लिया और आग की उठती लपटों को काबू करना चुनौती बन गया। बताया गया कि यह घटना गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी इलाके के इंडस्ट्रियल एरिया में हुई, जहां पैकेजिंग की एक फैक्ट्री अचानक आग की लपटों में घिरी नजर आई। जानकारी के मुताबिक फैक्ट्री में केमिकल के ड्रम रखे होने की वजह से आग तेजी से फैल गई और देखते देखते पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान फैक्ट्री से उठती आग की लपटों को काफी दूर से देखा जा सकता था, वहीं उससे उठा धुएं का गुबार भी पूरे इलाके में छा गया, जिसकी वजह से आसमान भी काला नजर आया।
वहीं धुएं का गुबार पूरे इलाके में इस कदर फैल गया कि उसे कई किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता था। वहीं मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम भी आग पर काबू पाने की कोशिश करती नजर आई, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि वो देखते ही देखते फैक्ट्री की तीसरी मंजिल तक पहुंच गई और फिर पूरी की पूरी इमारत धू धू कर जलती नजर आई। अमेरिका में कैलिफोर्निया के सनीवेल शहर में एक ज्वेलरी शॉप में लूट की एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। बताया गया जिस स्टोर को लूटा गया वो भारतीय मूल के एक ज्वेलर का है जो वहां 1986 से चल रहा है और ये स्टोर लग्जरी गहने और सोने चांदी के जेवरात के लिए मशहूर है। इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया जिसमें दिखा करीब 20 लुटेरे नकाब से अपना चेहरा छुपाए ज्वेलरी स्टोर में दाखिल हुए और तेजी से दुकान के कोने कोने में फैल गए। इस दौरान कई लुटेरे अपने साथ हथौड़े और दूसरे औजार लेकर भी पहुंचे थे जिन्होंने वहां शोरूम के कांच को तोड़ दिया और फिर उनमें रखे गहने और सोने चांदी के जेवरातों को अपने बैग में रख लिया। इसी बीच पुलिस को पीएनजी ज्वेलर्स के यहां लूट की सूचना मिली, लेकिन पुलिस के आने से पहले सभी लुटेरे वहां से भाग खड़े हुए। बताया गया कि लूट के बाद स्टोर से निकले कुछ बदमाशों को पुलिस ने घेर लिया, जिसमें 4 से 5 बदमाशों को पकड़कर उनके पास से चोरी किए गए कुछ गहने भी बरामद कर लिए गए। वहीं बाकी भागने में कामयाब रहे बदमाशों को पकड़ने की कोशिश जारी है। Z News.